आइए सारू काम। सी आई कैन से व्हेन आई वाज हियर व्हेन द लॉन्च वाज हैपनिंग आई ऑलरेडी एक्चुअली प्रिडिक्टेड इट दैट दिस मैगजीन विल डू वेरी वेल बिकॉज ज्योति इज देयर ही इज वेल कनेक्टेड टू द दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सो इज डूइंग गुड फैंटास्टिक। इंग्लिश का मैगजीन अच्छा चला है सो आप यही कहना चाहोगे कि गुड लक टू देम फॉर द हिंदी मैगजीन एंड फॉर द अवार्ड्स जो आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर एक प्रोजेक्ट एक वेंचर अच्छा होता है तो उसके बाद यू कीप मूविंग ऑन दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि पहला वाला प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल था। ज्योति के साथ सोलो लो हिंदी का लॉन्च इंग्लिश का एक साल हो गया था मैं एडिटर हिंदी का अभी लॉन्च और वैरायटी अवार्ड्स अनाउंस कर रहे हैं। वेयर इज द ट्रॉफी सो वी कैन शो ना आज अनाउंसिंग अनाउंस करेंगे अनाउंस सिनेबस्ट रियल डायमंड वाओ वाओ हे हेलो या थैंक यू अरे आजा हम आजा आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रॉनी जी के आज ट्रॉफी लॉन्च होने वाली है वो भी रियल डायमंड एंड गोल्ड एंड आई फील कि मैंने भी वैसी ट्रॉफी बन के ही आई हूँ मैं यू कैन सी मी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रॉफी देखने के लिए स्पेशली डायमंड लगे हुए मुझे कुछ मिले ना मिले ट्रॉफी दे देना आई कैन पुट मोर डायमंड यू कैन सी दिस एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट के अपनी सिने बस्टर पहले इंग्लिश में पहले थी लॉन्च अब हिंदी में हो रही है राइट या वी आर कंप्लीटिंग वन ईयर टू या एंड एक साल कंप्लीट हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आज ट्रॉफी बन के आई हूँ या थैंक यू। मैं कभी कभी की हीरोइन हूँ कभी कभी हीरोइन लगती हूँ कभी कभी की नहीं एक्चुअली रॉनी जी एंड जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं उनको मैं बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करने और ट्रॉफी स्पेशली ट्रॉफी देखने आई हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं बेस्ट विशेस कहना चाह रही हूँ। फैंटास्टिक संजू का ट्रेलर बहुत ही फैंटास्टिक है सुपर सुपर डुपर हिट संजू बाबा बोले तो यू नो इट्स अमेजिंग हिट जाने वाली है फिल्म। ओके अगर मुझ पर बायोपिक बने तो ऑफकोर्स विद्या बालन प्रियंका भी कर सकती है ऐसा कुछ नहीं है तो अगर मुझ पर बायोपिक बने तो
क्योंकि उसमें बहुत सारा उलाला होगा ना, इसीलिए तो मेन मेरे बायोपिक में बहुत सारा उलाला भी दिखाना पड़ेगा एंड उलाला भी होगा क्योंकि मेरी करियर स्टार्ट ही हुआ है उलाला से। नहीं ऐसा नहीं है बट उन्होंने उस टाइप की फिल्म करी है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड जो सब्जेक्ट है जैसे करीना भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट विद्या बालन जी बहुत अच्छा करेगी। जी बिल्कुल, मैंने सनी लियोनी जी से माफ़ी मांगी है एक बहुत बड़े चैनल पे, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो टैलेंट उनमें है जो वो कर सकते हैं, मुझ में टैलेंट वो नहीं है, और जो टैलेंट मुझ में है वो नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अननेसेसरी आई शुड नॉट टॉक अबाउट हर, बट एनी वेज टूडे ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट हर बिकॉज ऑफ यू गाइज। देखिए वो तो आप ही जज कीजिए, देखिए वो तो आप ही जज कीजिए उनके पास। देखिए अगर उनका टैलेंट आपको देखना तो आप यूट्यूब में जाके देखिए, ऑन गूगल स्पेशली, तो आपको उनका वो टैलेंट देखने मिल जाए। हमारी वो लक्ष्मण रेखा है, मैं वो टैलेंट नहीं कर सकती इंडिया में, इसीलिए देखो बैटिंग तो करनी चाहिए हर किसी को, उसमें क्या है, करने में क्या प्रॉब्लम है। देखो दाऊद को फ़ायदा हुआ नहीं, हम मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा होने दो, ऐसे भी सबके पैसे जो है गायब हो गए बैंक से, अकाउंट से, तो बैटिंग करें या चैटिंग करें, कुछ भी करें बट करें, दैट्स इट, कुछ तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि सट्टाबाजी तो हर जगह चलती है और चलने देनी चाहिए, कोई किसी, अब मैं कितना भी कुछ बोलूँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप किसी को रोक नहीं सकते, तो अरबाज जी ने उन्होंने जो किया सही किया है, होना चाहिए। विंदु जी ने भी किया था, मुझे मौका मिलेगा मैं भी सट्टेबाजी करूँगी। थैंक यू। नमस्कार भाई, अवार्ड तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अभी तो एक साल हो गया, तो जैसे ये एक साल जैसे कंप्लीट हो गया, पता नहीं चला वैसे, और इसी तरह से आगे चीज़ें चलती रहेंगी, और उसके बाद अभी जो अवार्ड की अनाउंसमेंट होगी, हर अवार्ड हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो सिनेबस्टर्स का ये अवार्ड भी ऑब्वियसली हर एक के लिए इम्पोर्टेंट ही होगा, एंड इनफैक्ट पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। सॉरी अभी फ़िलहाल जो है राइट नाउ आई एम डूइंग अ मूवी की विच इज़ इंडो पाकिस्तान बेस्ड है, लॉट ऑफ एड्स आर कमिंग एंड डूइंग अ टीवी शो ऑन सब टीवी, सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, एंड एक मराठी की भी बात चल रही है जिसके लिए मुझे ज्योति जी ने यहाँ पे बुलाया है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड मराठी भी इनका लॉन्च हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसी लगे हाथ पब्लिसिटी इनकी भी हो जाए, सो दिस इज़ अ थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है मैं सुनाता हूँ। वे मैं चोरी चोरी अखियाँ मिलाउन लग पई, खड़ी शीशे मुरे थोड़ा शर्माउन लग पई, वे मैं चोरी चोरी अखियाँ मिलाउन लग पई।
सबसे पहले मैं एक साल पूरा होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मुझे ये पता चला है कि रियल डायमंड एंड गोल्ड की ट्रॉफीज जो मिलने वाली है, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, अब मुझे आज तक नहीं मिली, तो ये बहुत ही, मैं जिनको ट्रॉफी मिलने वाली है उनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, और जो नई मैगजीन आज लॉन्च हो रही है उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ सीने बस्टर के लिए, जो कि हिंदी मैगजीन है, तो पूरी टीम को मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जी जी, सीने बस्टर को, सीने बस्टर इंग्लिश को एक साल पूरे होने के लिए बहुत 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 बधाई, और उसी के साथ साथ ये जो मैगज़ीन हिंदी में लॉन्च हो रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि ये हमारी साउथ की जो साउथ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनती हैं, तो उन लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए, उनमें भी अगर होगा तो उसके लिए भी अभी से मैं एडवांस में अपनी बेस्ट विशेस, अपनी सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Congratulate him for the first anniversary of Cinebuster, Mr. Ronnie Rodrigues. I mean, I wish him all the best wishes for the awards which is coming up. It's so great, like, to be associated over here at this beautiful red carpet and, you know, unveiling of this, like, award ceremony. I'm just like, I'm so happy. It's one of the favorite magazines so far as of today. Please must watch Cinebuster, and thank you so much for, you know, being a part of it. Thank you. Yeah, I congratulate, like, have many more years to come ahead, and like, I congratulate on first anniversary of the Cinebuster, complete of one whole year, and it's my favorite magazine. Wow, this is so, I mean, this is so made in India. Obviously, we all are here in India, so it has to be made in India. I'm so happy, like, it's a nice thing to do that, you know, people get to see in the rural countries and, like, village, like, you know, every corner, like, Hindi is so, I mean, it's so great, it's amazing in Hindi. That's amazing. Thank you. Thank you. Beautiful. Yep. It's loads and loads of, yeah. Congratulations to the magazine, yes. Especially for the trophy. We would definitely, which is in gold, I've heard. Yeah, the trophy is in gold. But also, I want to congratulate all of you for the success, and especially because ये हिंदी में है, तो जो हमारी reach है, audience जो हमारी Indian audience है, English तो सभी जानते ही हैं, लेकिन हिंदी की reach बहुत ज़्यादा है, interiors में भी है, हर जगह है. So that's a very big achievement, for sure. हम तो ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमें डायमंड भी मिले और गोल्ड भी मिले. तो डायमंड, डायमंड विल बी अ गिफ्ट, और गोल्ड आई कैन सेल इट बैक. थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, कांग्रेट्स. सबसे पहले तो मैं सिनेबस्टर को वन ईयर कम्पलीशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और मैं यही कहूंगी कि मेरे इंडस्ट्री का ये मैगज़ीन है, तो ये फूले फले
और बहुत बड़ा बने और इस मैगजीन में हम भी आए और आज बहुत सारे सरप्राइजेस हैं मेरे लिए भी कि आई हर्ड कि मराठी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स की आज यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली है एंड इट्स लाइक इन अ ट्रू सेंस आई विल से अ डायमंड स्टडेड इवेंट सो अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ग्रेट इवेंट फ्रॉम सीने बस्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे थैंक यू ओके मराठी सीने अवार्ड्स हैं मैंने सुना है सो ज़रूर गाना चाहूँगी फर्जन करके मूवी है जिसका हाल ही में इट्स गोइंग हिट ऑल ओवर इन महाराष्ट्र जिसमें मैंने एक लावणी गाई है तुम ही ये ताना केला इशारा नरन नाते दे हाथ राजा उन्हारी धक धुक दाटर लिया मुसुक मोहर द्या बढ़खे ची राखु द्या ना मर जिस वारीं ची राखु द्या ना मर जिस वारीं ची थैंक यू आजा साथ में आजा साथ में आजा साथ में साथ गुंडे हाँ गुंडे दो गुंडे मेरा नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है Is Adirani and Shivarindani. People know him as Captain Zadak and people know him as Vicky Malhotra. We are here at the party to grace this occasion and I think this is a very good move as far as the awards are concerned and projects are concerned. I think it should happen again and again and people should be given so much opportunity to get award and do their talent. अवार्ड बहुत ज़रूरी है नेसेसिटी है हर एक इंसान के लिए जो अपना काम करता है और काम के बाद में उसको एक सराहना मिलती है जो नाम मिलता है जो अवार्ड के रूप में मिलता है तो उसको एक अंदर से हिम्मत बढ़ती है और ऐसा लगता है कि भैया ये मुझे बार बार इतना अच्छा काम करना है तो वो एक प्रोत्साहन जो मिलता है आदमी को काम करने के लिए तो और अच्छा काम करता है इंसान तो ये बहुत ज़रूरी है एक बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है वेरी नाइस आई विश देम ऑल द बेस्ट And congratulations as well. और हम बार बार हाँ आई जस्ट सेड कि एक ट्रॉफी एक अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं अवार्ड चाहे वो पब्लिक के रूप में हो चाहे एक ट्रॉफी के रूप में हो लेकिन एक इंसान को जान पहचान मिलना बहुत ज़रूरी वो अवार्ड के थ्रू मिलती है वो बेसिकली अवार्ड एक आर्टिस्ट के लिए हौसला अफजाई है अगर अवार्ड मिलता है तो और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है आई थिंक ये अप्रिसिएशन एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आई थिंक एवरीबडी शुड गेट चाहे वो छोटा एक्टर हो या छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा एक्टर एवरीबडी शुड गेट एंड इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम दोनों का अपकमिंग प्रोजेक्ट में मतलब एज एन एक्टर पूछ रहे हैं एज एन एक्टर अच्छा एज एन एक्टर मेरी एक फिल्म मैंने की है वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुई है कुछ एक दो दिन का काम बाकी है फिल्म का नाम है गॉन केश गॉन इज़ इंग्लिश केश इज़ इन हिंदी केश मतलब बात गॉन केश करके एक बहुत ही अच्छी एलोपिशिया पे कहानी है फिल्म है बट दैट आई हैव जस्ट कंप्लीटेड वो एक फिल्म है और एक फिल्म अभी शुरू होने वाली है मेरी जो शायद सितंबर में शुरू हो तो वो हम कर रहे हैं और बाकी एज ए डायरेक्टर हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है या बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है एंड वी बोथ आर राइटिंग अ फिल्म टुगेदर वेरी सून इन टू मंथ्स टाइम एक फिल्म ने डायरेक्ट किया बाकी एक और किया बाकी एज एन एक्टर थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग तो पिन पॉइंट नहीं रखते ये फिल्म भी आ रही है बिकॉज फिल्म बनती है लेकिन कब रिलीज होती है गॉड नोज और द प्रोड्यूसर नोज सो वी जस्ट वी आर एन एक्टर वी कीप ऑन एक्टिंग पर्सनली एंड ऑन स्क्रीन एज वेल Thank you. Hi. How are you? देखो अपने आप में बड़ी बात है आज राष्ट्रभाषा पर सोचना अपने आप में बहुत ज़रूरी था और जिस तरीके से इन्होंने इसको आगे लिया अमेजिंग ट्रस्ट मी आज हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी है हिंदी का अगर महत्व यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव
kudos to them and all the very best to them. Thank you so much. Always clashing. Come, Jyoti ji. ऑनेस्टली मैं ज्योति वेंकटेश जी को तब से जानती हूँ जब मैंने बॉम्बे में कदम रखा था. आई गेस मेरा पहला इंटरव्यू आज से 10 साल पहले ज्योति सर ने लिया था एंड आई नो हिम सिंस देन जब मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुई थी. सो फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट बिकॉज किसी को ग्रो करते हुए देखना और उनकी मेहनत सफल होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. एंड ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, वी ऑल नो दैट. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. एंड रही बात सिनेवस्टर मैगजीन के पहले साल पूरा करने के बाद ये जो अवार्ड है वो अनवील हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेस मैंने सुना है कि इट हैज़ रियल डायमंड्स एंड दैट स्टार्टेड. सो जो भी ये अवार्ड लेके जाएगा आई होप कभी ना कभी मुझे भी मिले, एटलीस्ट अवार्ड के साथ साथ एक डायमंड रिंग भी बन जाएगा. बहुत इनिशियल स्टेज है अभी, तो हमने सिर्फ सेकंड शेड्यूल पूरा किया है. एक बहुत अहम भूमिका निभा रही हूँ मैं पिक्चर में, बहुत बड़ा स्टार कास्ट है. नरगिस फाकरी मैम है, संजय सर है, राहुल देव सर है जो कि बहुत ही अमेजिंग किरदार निभा रहे हैं, और मैं हूँ. सो मेरे लिए हिंदी सिनेमा का पहला मौका है. आई डेंट थिंक कि मुझे लीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिकॉज मैं संजय सर की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ. सो आई डेंट माइंड प्लेइंग दिस इंपॉर्टेंट रोल. बहुत ही हटके फिल्म है, मैं बोलूँगी जब पिक्चर बन के आएगी आप लोगों को अच्छा लगेगा. और मेन किरदार पिक्चर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेन लीड है. अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज हम कुछ अमेजिंग और एक्सट्रीम लोकेशंस पे शूट कर रहे थे किर्गिस्तान में, जहाँ पे दिन के टाइम में टेम्परेचर 28 डिग्री होता था और शाम को -10. कई बार तो सेट्स भी उड़ गए थे हमारे, बट ओवरऑल वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल शेड्यूल टू गो ऑन फ्लोर. थैंक यू. सवाल कौन पूछ रहे हैं? अच्छा आप पूछ रहे हैं. सबसे पहले तो सिनेबस्टर को पहली एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो अवार्ड्स की अनवेलिंग है उसके लिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ. पहले देख लूँ कितना खूबसूरत है, कैसा है, और उम्मीद करूँ कि बहुत जल्द हमारे हिस्से में बटोर के हम ले आएँ. ऐसे तो बड़ा खूबसूरत है, ज़रा नज़दीक से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा. हाथों में देखकर तो ज़्यादा मज़ा आएगा. इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अभी शूटिंग ख़त्म हुई है और अभी बोलने की इजाज़त नहीं है, तो मेरे ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए, फिर बता दें. यू वही तो कह रही हूँ, एक महीना और इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा. रोमांटिक होगा, थ्रिलर होगा, एक्शन होगा, सब कुछ होगा. थैंक यू. हाँ जी पाजी, सिनेबस्टर ये मैगजीन एक साल की हो गई है, उसका जन्मदिन उनको बहुत बहुत मुबारक हो. और हमारे बहुत सारे पुराने साथी उसके साथ जुड़े हुए हैं. अब मैं सुना उसे हिंदी में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हिंदी में भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं. ऑफिशियली अच्छा ऑफिशियली
देखिए सबसे अच्छी बात है कि अवार्ड किसी तरह की भी बने, लेकिन जिस तरह एक्टरों को एक जगह पानी पड़ती है अवार्ड पाने के लिए, इसी तरह आज के दिन में जो लोग अवार्ड दे रहे हैं उनको भी एक जगह बनानी पड़ेगी ताकि लोग उस अवार्ड की इज्जत कर सकें। तो मैंने जो सुना है कि मराठी में जो अवार्ड इनके बनने बना रहे हैं उसमें शायद एक ख़ास किस्म की ट्रॉफी बनाई जाएगी जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर का कवर रहेगा। तो मेरे हिसाब से सिल्वर गोल्ड का कवर ना भी रहे तो अवार्ड ही होता है, और अवार्ड उसके लिए मिलता है कि आपकी जो मेहनत होती है उसको लोग पसंद करते हैं और उसे उस हिसाब से अवार्ड दिया जाता है। तो मेरी फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को और अवार्ड के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा बेटा है, इसका नाम राघव ऋषि है, तो इसकी तरफ से भी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और खुशी होती है, सूर्यवंशम और आईपीएल को आपस में जोड़ दिया है, तो जिस तरह आईपीएल पॉपुलर है इसी तरह सूर्यवंशम भी पॉपुलर है, तो हर साल आप देखिए उसको भी खुशी है इस बात की कि एक फिल्म जो है लोग पसंद करते हैं तो ही रिपीट होती है। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी बात के रिपीट करते होंगे। एक और फिल्म है मेरी साउथ की, चिरंजीवी साहब की इंदिरा, वो भी बहुत बार रिपीट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पसंद करते हैं लोग इसलिए रिपीट होती है। तो उन सबको जो पसंद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं हिंदी में तो नहीं, तेलुगू में एक फिल्म कर रहा हूँ जो चिरंजीवी साहब के साथ में है, उसमें अमित जी ने एक रोल किया है और मैं भी उस फिल्म को कर रहा हूँ। तो अगर आपने पूछा है तो ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। अब मुझे नहीं, मेरा शायद उनके साथ काम ना हो, लेकिन खुशी है इस बात की कि अमित जी भी उस फिल्म में है। तो आफ्टर काफ़ी सालों के बाद एक कोई ऐसी फिल्म जिसमें अमित जी भी हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और कुछ पाजी? थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। देखिए मेरी शुभकामना है, मैं इस लाइन में काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ और सीनियर डायरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ज्योति वेंकटेश साहब ने यहाँ बुलाया और मेरी हार्दिक शुभकामना है इस प्रोग्राम के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। मैगजीन तो बहुत अच्छी है, मैगजीन बहुत अच्छी है, हम कभी कभी पढ़ते भी हैं, वेरी गुड मैगजीन। सर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मैगजीन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। This is a very wonderful platform, and I assure them that this magazine will go up to the international level. And my moral support to them, whenever they want any sponsorship, I'm ready to support them. Thank you. We want to give something special, so that's why it's created in such a manner.
ये टोटली हॉलमार्क गोल्ड. या आई टू क्रिएट अ हिस्ट्री ना, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस नेवर बीन डन इन एनी ऑफ द इंडियन. इट इज़ ए व्हाट यू कॉल फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री इन द इंडियन सिनेमा दैट द अवार्ड विच इज़ बीन क्राफ्टेड इन हॉलमार्क गोल्ड एंड VVS डायमंड. स्टार्टेड विद VVS डायमंड. First we are coming up with the Marathi and later on we'll be coming for the Bollywood. So it is for the we have completed this is our first anniversary. We have completed 1 year and we are coming up with the Hindi edition and today we'll launch the Hindi edition plus we'll unveil the trophy which will be having the certificate also. So it is what the purity the trophy content. So jisko award milega unko ek certificate bhi milega. Yeah, diamond or gold. Yeah, they'll be getting the certificate too. So that is like a investment which they have for their assets. Yeah. Because it should sound a value, na? If they are working so hard for this thing, so it should sound value, what they achieve. It kept on changing. Earlier it was just a normal trophy, then went there, then I've seen, then I've instead only to make for gold, with gold. So after, then again it was being changed, then I've put with studded VVS diamond. I've studded the upper side. It is studded with VVS diamond. It is all our teamwork and plus it is all the blessings of all the readers. Because today we are on this position because what we are giving is this superior quality. At affordable, just affordable price. That is the main thing. Everybody knows he is a most senior editor. Since 40 years he is in the industry. So everybody is, it is a teamwork only. It is not a single person work, it is a teamwork. नए मैगजीन को बड़े लेवल में लेके जाना बच्चा पैदा करने से भी मुश्किल है क्योंकि एक साल हम लोग जुड़े थे ना. एक साल पहले लॉन्च हुआ था हिंदी एडिशन. आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है वैसे ही आज हिंदी एडिशन लॉन्च हो रही है जो इंशाल्लाह कई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे बाद में. लेकिन उनके अलावा आज हम अनाउंस घोषणा भी करने वाले मराठी फिल्म अवार्ड के बारे में जो सिनेमा और टीवी दोनों के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्रॉम अक्टूबर दिस ईयर. That's it. Good. Oh, that's good.